भारतीय कानून में संशोधन करना बहुत ही अनिवार्य हो गया था। इस तरह से अपराध और अपराधी नए तरीकों से कभी कानून से बच जाते थे। अपराध बढ़ रहा था, इसलिए अपराध को लगाम लगाने के लिए धारा और सजा दोनों में परिवर्तन किया गया। शीघ्र करही परिसर में स्थानीय पुलिस द्वारा नगर के नागरिकों और आम जनता को नए कानून की जानकारी देने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज दिनांक से पूर्व में लागू कानूनों जैसे इंडियन पेनल कोड 1860, IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को विलोपित कर नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA दिनांक 1/7/2024 रात 12 बजे से लागू किए गए। थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन अपने उद्बोधन में नए और पुराने कानून के अंतर को बहुत ही सरलता से आमजन को समझाया और नए कानून की बारीकी से जानकारी दी गई। थाना प्रभारी द्वारा नागरिकों को नए कानून के मुख्य प्रावधानों और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया। धमकी देना या फिर अपना क्या बोलते हैं पारिवारिक मामलों में और 98 पहले लगता था, तो ये जो धाराएं है सबसे ज्यादा कानून में थाने में सबसे ज्यादा यही उपयोग में होती है, यही होती है ना, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं तो कभी कभी होती है। सबसे ज्यादा अगर हम थाने में देखें, किसी भी थाने में हो, कि तो ये गाली गलौज की रिपोर्ट, मारपीट की रिपोर्ट, जान से मारने की धमकी देना है, एक्सीडेंट हो गया है, ये धारा है। तो जो मुख्य मुख्य धारा है अपन से वो उचित चर्चा करेंगे। है तो 358 धारा है, किंतु सबको अपने काम और सब छोड़ के आए और इस संबंध में और बीच बीच में भी चर्चाएं चलती रहेगी और इस तरह के आयोजन अपन करते रहेंगे। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।